हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हो सब? होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। सो गाइस, सुबह का टाइम है, कितने बज रहे हैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो 4:24 हो रहे हैं, 4:30 होने वाले हैं। सो आज है रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो अभी सुबह सुबह मैं जग गई हूँ क्योंकि बहुत सारा काम है, कहीं जाना भी है, तो इसलिए बहुत सारा कहीं जाना भी है, जल्दी निकलना है, तो फिर इसलिए मैं जल्दी खड़ी हो गई हूँ क्योंकि घर पे पूजा वगैरह भी करनी है और खाना भी बनाना है क्योंकि आज मंडे भी है, मंडे का फास्ट भी है हम लोगों का। सावन का लास्ट सोमवार है, यानी कि रक्षाबंधन के दिन सोमवार पड़ा है, तो हम लोगों का व्रत है, तो पूजा वगैरह करने में भी टाइम लगेगा और खाना वगैरह बना के भी ले जाएंगे। सो मैं जा रही हूँ गांव ससुराल अपनी, तो आज पूर्णिमा है तो बाबा के स्थान पे जाएंगे हम लोग, वहाँ पे कथा वगैरह होगी, पूर्णिमा को कथा होती है। तो ये देखिए, शाम को ही मैंने ये सारी चीज़ें निकाल दी थी, साड़ी निकाल दी अपने लिए, इनके भी कपड़े फ्रेश कर दिए थे, सारा कुछ मैंने रख लिया है निकाल के, और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लगा के रख ली है, सब कुछ पूजा की कुछ चीज़ें भी मैंने शाम को ही लगा के रख दी थी। तो चलिए फटाफट से झाड़ू पोछा कर लेते हैं, नहा लेते हैं और फिर बना लेते हैं खाना। सो ये देखिए, मैं भी दिखाऊँ मैं आपको कैसी लग रही है आप लोगों को। प्रिया ने लगाई है साथ में, शाम को गई थी मैं लगवाने के लिए, 2-3 दिन से इतनी बिजी हूँ कि निकली नहीं पा रही थी लगवाने के लिए। फिर शाम को मैंने सोचा दिन में तो टाइम मिलने वाला है नहीं, त्यौहार पर ना बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, और इस वाले हाथ में फिर मैंने लगाई है। ये देखो, ये तो पहले की है, इस वाले हाथ में मैंने लगाई है, इधर लगाई, इधर लगाने का मौका ही नहीं मिला। रात को कितने 1-1.5 बजे लगाई है, फिर मैंने सोचा इतनी सुबह लगा लूँगी टुकड़ों में, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, पूरा दिन हो गया, रात के 1:30 बजे मैं सोई हूँ, 2 बजे लगभग, और अभी आप देख रहे हो 4:30 हो गए हैं, इतना ही सो पाई हूँ। बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, बट क्या करें, काम बहुत सारा है तो मुझे खड़ा होना पड़ा। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं अपने सारे काम और फिर मिलते हैं आपको। बाय बाय, टेक केयर। सो गाइस, सुबह के बज गए हैं 7:30-8 का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे नहा ली हूँ, मेरा पूरा घर का काम भी हो गया है। सो मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, आज मंडे है तो हम दोनों का व्रत है, तो पूजा में टाइम लग जाता है व्रत वाले दिन, तो यहाँ पे मैं भोले बाबा की जो कथा है वो पढ़ रही हूँ, सोमवार है। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से पूजा और उसके बाद फिर सीधा निकलते हैं गाँव के लिए, क्योंकि जितनी जल्दी जाएंगे उतना ही जल्दी हम लौट के आ पाएंगे। आज रक्षाबंधन भी है तो बहुत सारे काम हैं, राखी वगैरह भी बंधवाना है और खाना वगैरह भी बनाएंगे लौट के, अभी थोड़ा बहुत बना लिया है भोग के लिए। तो चलिए गाइज, यहाँ पे हमारी नव्या और अव्या कान्हा जी के राखी बांध रही हैं, राखी बांधना स्टार्ट हो गया है। सो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के राखी बांधेंगे और यहाँ पे दोनों बांध रही हैं, मिठाई खिला रही हैं, पेड़े बनाए हुए थे तो मैंने दे दिए हैं भोग के लिए, और दोनों पूजा कर रही हैं, इनको भी मैंने नहला दिया है, दोनों नहा ली हैं, हमारे साथ गाँव नहीं जा रही हैं, बोल रही थी परेशान हो जाएंगे, हम घर पर ही बने रहेंगे और मौसम का कुछ पता नहीं है, बारिश के टाइम पर कभी भी बारिश भी हो सकती है, इस वजह से हम नहीं लेके जा रहे, हमको भी जल्दी में ही लौट के आना है घर पर। सो यहाँ पे राखी बंध गई है, लेकिन भाइयों की कलाई में 1:30 बजे के बाद ही बांधना है, पंडित जी ने बोला था, अभी भद्रा लगी हुई है तो आप भगवान जी के बांध सकते हो। सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये देखिए मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, कैसी लग रही है आप लोगों को, ग्रीन कलर की। तो चलिए निकल रहे हैं, पूरे रेडी हो चुकी हैं और सारा कुछ मैंने रख लिया है जो भी रखना था मुझे, खाना वगैरह भोग के लिए, खीर और पूड़ी और सब कुछ पैक कर लिया है। तो चलिए निकलते हैं गांव के लिए, 9 बज गए हैं, सुबह के इतनी जल्दी जल्दी किया तब भी 9 बज गए, 4 बजे की खड़ी हुई हूँ सच में।
बहुत काम हो जाता है, आज व्रत भी है तो पूजा वगैरह में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में, बाय। सो गाइज, यहाँ पे मैं अव्या नव्या के लिए खाना परोस रही हूँ, खिला पिला के ही जाऊँगी बच्चों को, क्योंकि मुझे तो आने में लेट हो जाएगा। तो मैंने खीर और पूड़ी बनाई हुई थी, तो भोग लगा दिया मंदिर में, मैंने भी पैक कर लिया है भोग के लिए वहाँ ले जाने के लिए। और बाहर मैं देखने गई हूँ गाय माता है कि नहीं, गाय माता की पूड़ी रखी है, भोग रखा हुआ है, खीर पूड़ी, तो मैं सोच रही खिला के ही जाऊँ, बट बाहर हैं नहीं, तो मैं लौट के ही खिलाऊँगी आके। सो सब्ज़ी मैंने अभी नहीं बनाई है, छोले की सब्ज़ी बनाऊँगी, मैंने छोले बॉयल करके रख दिए हैं तो लौट के ही बनाऊंगी। सो चलिए फटाफट से बच्चों को खाना खिला दें और फिर निकलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया है। मैंने सोचा था कि 7 बजे तक 7:30 तक हम लोग निकल जाएंगे, बट नहीं हुआ इतना जल्दी, क्योंकि कितना भी अपन जल्दी करते ना फिर भी बहुत सारे काम होते हैं, लेट हो ही जाते हैं, बच्चों के साथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो मैं अपना मोबाइल छोड़ के जा रही हूँ, बट मैं इनके मोबाइल से थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करूँगी, तो आप लोग पूरा वीडियो देखना, मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा रिकॉर्ड करूँगी और इन्जॉय करना। और हमारे गांव में जो हमारे देवी देवता हैं, हमारे बाबा का स्थान है, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, दिखाएंगे। आप लोग वीडियो को इन्जॉय करना शुरू से लेके एंड तक विदाउट स्किप, तभी आपको पता चलेगा कि वीडियो में और क्या क्या है। सो चलिए निकलते हैं, वीडियो को इन्जॉय कीजिए, बाय बाय, मिलते हैं आपसे बाद में। सो गाइस, फाइनली हम मणिरामपुरी वाले बाबा पर पहुंच गए हैं और हमारे बाबा का स्थान है। सो ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है, गांव का व्यू बहुत ही प्यारा लगता है, वो भी इस टाइम पे बरसात के सीज़न में, सब कुछ हरा भरा दिख रहा है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और खुला, एकदम चारों तरफ खुला माहौल रहता है। सो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, तो चलिए फटाफट से पूजा कर लेते हैं। बट बाबा ने बताया, अभी पता चला हमें कि हवन नहीं होगा, कथा होती है सत्यनारायण भगवान की पूर्णिमा को, तो वो नहीं होगी क्योंकि भद्रा लगी हुई है, तो वो शाम को ही होगी। तो हम हवन वगैरह सामग्री जो लेके आए वो दे जाएंगे, भोग के लिए खाना लाए वो भी दे जाएंगे, तो शाम को लग जाएगा भोग और हवन भी हो जाएगा। अभी हम प्रसाद चढ़ा के और चले जाएंगे, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं पूजा और फिर उसके बाद हम जाएंगे बाग में, जहाँ पे हमारे सारे देवी देवता है, वहाँ का व्यू भी आपको दिखाएंगे, बहुत ही प्यारा व्यू है वहाँ का, बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं पूजा हम दोनों लोग और आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। ये देखो ऊपर हमारे बाबा का ये स्थान है और पंडित जी बैठे हुए मंदिर के अंदर, तो चलिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं पूजा करने के लिए, तो चलिए हम भी कर लेते हैं। तो गाइस, फाइनली हम लोग आ गए हैं बाग में, तो इसको बाग ही बोलते हैं और यहाँ पे ही हमारे सारी देवी देवता हैं। तो दोपहर के 12:30 हो रहे हैं और अभी हम यहाँ पे पहुँच पाए हैं, घर से भी लेट ही हो गए थे। और ये देखिए यहाँ का व्यू कितना प्यारा है, मैंने बोला था ना बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है, कितनी हरियाली है यहाँ पर, और बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था, बट क्या करें, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बादल भी गरज रहे हैं और बारिश आने वाली है, तो चलिए कर लेते हैं पूजा। सो प्रसाद भी चढ़ा देते हैं और फिर निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि अगर बारिश होने लगी तो हम निकल नहीं पाएंगे। और फिर आज रक्षाबंधन भी है, राखी वगैरह बांधेंगे, घर पे जाके बंधवाएंगे, दीदी वगैरह आ रही होंगी। सो चलिए कर लेते हैं पूजा और फिर निकलते हैं घर के लिए। सो ये देखिए इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत सुंदर व्यू है यहाँ का, बहुत अच्छा लगता है गाँव में।
घर से दीपक लेके आए थे और फूल वगैरह घर से ले आए थे और प्रसाद। प्रसाद मैं हमेशा घर से ही बना के लाती हूँ खुद, क्योंकि बाहर का मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो मैं खुद अपने हाथों से बना के ही लाती हूँ हमेशा। तो यहाँ पे बस पूजा चल रही है हमारी, जो हमारे पूरे गांव के देवी देवता हैं यहाँ पे, जो हमारे परिवार के हैं बस उनकी हम पूजा कर रहे हैं। बाकी के बहुत सारे हैं सभी के, मतलब अलग अलग परिवार के यहीं पे बने हुए हैं सबके स्थान, तो अपने अपने स्थान पे सब लोग पूजा करके चले जाते हैं। सो यहाँ पे हमने भी कर ली है। दोस्तों बाग में भी पूजा कर ली हमने और बाबा पे भी करके आए थे, तो आज ना भद्रा लगी हुई है, राखी भी 1:30 बजे के बाद बांधी जाएगी, इस वजह से फिर हवन नहीं हुआ था, तो हवन सामग्री हम फिर बाबा को ऐसी दिया है शाम के टाइम पे होगा। और उसके बाद हम आ गए हैं बाग में, यहाँ पे हमारे सारे देवी देवता हैं, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे हरियाली हरियाली हो रही है, चिड़ियों की आवाज़ आ रही और कोई भी नहीं है। पूजा हमने कर ली है और बहुत तेज़ बादल हो रहा है, इतना तेज़ बादल हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। चलो फटाफट से घर पहुँचते हैं, 1-1.5 घंटा लग जाता है घर पहुँचने में, तो चलिए चलते हैं, आपसे मिलेंगे घर पे। बाय। मेमोरी खो जाती है। देखिए गाइस, बहुत दूर से फोटो ले रहा हूँ मैं, वो नीचे है वो। ये मोर है, इसका मतलब है बारिश बहुत तेज होने वाली है। बादल तो आ गया देखिए, हरियाली हरियाली कितनी सुंदर लग रही है चारों तरफ, बहुत अच्छा लग रहा है। और गर्मी तो है, उमस है, इसलिए बारिश हो सकती है। बारिश तो होगी, नाचने का मतलब ही बारिश है। अच्छा श्योर? और क्या श्योर। चलो मैं जूम किया था, अब दिख रहा है कुछ, अब नहीं दिख रहा, अब दिख रही है आप गुम्बर, कहीं नहीं दिख रही। आज पता पड़ गया है इसका मोबाइल का 60x जूम क्या होता है। ये रही दूर है वो काफी, ये रही मोर। सो गाइस, पूजा पाठ से हम लोग फ्री हो गए गांव से, अभी निकल रहे हैं घर के लिए। बहुत खराब मौसम है और हम लोगों को लग रहा है कब हम घर पहुंच जाएं, और अभ्या से हमने फोन पे बात कर ली है, इसीलिए हम फोन छोड़ के आ गए थे घर पे अपना मोबाइल। और दोनों बोल रही है मम्मा आ जाओ, कोई बात नहीं, हम लोग खेल रहे हैं, पढ़ाई भी कर ली, टीवी भी देख ली, सब कुछ कर लिया है। हमने कहा ठीक है अभी आते हैं। और मौसम देखो, आप देख ही सकते हो कितना तेज़ बादल है। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, यहीं पे मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें, पब्लिक करें, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट से आ जाए। कितना बड़ा स्नैक था रोड पे सांप। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। अच्छी वीडियो का वेट करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। बाय बाय।